और विमल, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, क्योंकि हम लगातार कर रहे हैं, जिस तरह से भूपेंद्र बता रहे थे राजकोट में, क्योंकि मैंने भी अपनी रिपोर्टिंग के दौरान कई अग्निकांड कवर किए हैं। सबसे दुखद बात यह होती है परिजनों के लिए, एक माँ बाप के लिए, कि उनके शव की पहचान तक नहीं होती। वहां सिर्फ कुछ राख, काला मलबा नजर आता है और उसके अलावा कुछ नहीं नजर आता। उम्मीद भी होती है कि शायद बच के आओ, शायद कहीं कुछ उम्मीद नजर आती है। दिल्ली में इस तरह की घटनाएं कोई पहली घटना नहीं है। छोटे छोटे अस्पताल बने हुए हैं, छोटे छोटे इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, लेकिन फायर सेफ्टी के कोई इंतजाम नहीं, कोई एनओसी नहीं। तो क्या इतना आसान है देश की राजधानी में, जो देश की राजधानी है, जहां बिना फायर सेफ्टी के इंतजाम, बिना एनओसी के अस्पताल चल रहे हैं, इंस्टीट्यूट चल रहे हैं? जी बिल्कुल रवि, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा, हादसे दर हादसे, सिर्फ तारीख बदलती है, डेथ टोल बदलता है और लोकेशन बदलती है, लेकिन तस्वीर नहीं बदलती। तबाही की तस्वीर हर जगह से अमूमन ऐसी ही आती है। हर जगह जो है, जब हादसे के बाद जो है वो कहा जाता है कि बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि एक्शन होगा, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, तमाम नेताओं के वही पुराने बयान, वही सारी चीजें होती है, वही सारी कवायद होती है। लेकिन सवाल यही है कि जब कोई हादसा होता है तो उसके बाद ऐसी सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, क्यों प्रशासन उसके बाद भी नहीं चेतता कि इस पर सख्त एक्शन लिया जाए, क्यों तमाम जो इस तरह के चल रहे हैं धंधे, गोरख धंधे चल रहे हैं, उनके खिलाफ जांच क्यों नहीं होती, क्यों उन पर रोक नहीं लगती? अगर कोई सख्त एक्शन हो तो तारीख भी बदले और शायद तस्वीर भी बदले, लेकिन यहां पर दिक्कत यही है कि तस्वीर वैसे की वैसी ही रहती है। और अगर दिल्ली की इस घटना की भी बात करें, अब वो तमाम माँ बाप हैं जिनके बच्चे, उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने शायद अपने बच्चे की शक्ल भी ठीक से नहीं देखी थी कोई कुछ घंटे पहले, जिसने जन्म लिया था, और ये क्योंकि यहाँ पर जो इन्फेंट चाइल्ड है उनको लाया जाता था, तो ज्यादा इन्फेक्शन ना हो, तो इसलिए माँ बाप को यहाँ पर ज्यादा देर रहने के लिए इजाजत भी नहीं थी, केवल बच्चों को नर्सरी में रखा जाता था। तो इसकी वजह से कुछ देर के लिए ही माँ बाप या अन्य परिजनों को बच्चों से मिलने दिया जाता, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। और विमल, हाल ही में जन्म लिया, जो ये केयर सेंटर है या अस्पताल है, उसका मालिक, उसके मालिक के बारे में क्या जानकारी, कह जा रहा है, कहा जा रहा है कि फरार है? जी बिल्कुल, नवीन जो है चीची नाम का ये शख्स है, और इसको लेकर जो इलाके के लोग हैं वो भी लगातार कह रहे हैं कि हमने कई बार शिकायतें की, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पुलिस और प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं थी, जानकारी सबको थी, लेकिन सवाल वही है जो हर बार उठता है कि आखिर प्रशासन जागता क्यों नहीं है। देखे बिल्कुल बिल्कुल, प्रशासन जागता क्यों नहीं है, प्रशासन की तरफ से हर बार ये दावे किए जाते हैं, जांच बैठा दी जाती है और कहा जाता है कि अगली बार इस तरह की गलती नहीं होगी, लेकिन जिन बच्चों की जिंदगियां इन अग्निकांड में चली गई हैं, उनके गुनहगारों को सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, देख ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे, देखते रहिए न्यूज 24।